गाइस, मैं आपका डीजे प्रीतम। और जैसा कि आज मैं लेकर आया हूँ रिपेयरिंग, डीएमएक्स रिपेयरिंग। तो डीएमएक्स का जो ये स्विच रहता है, ये चलाते चलाते मतलब डिस्टर्ब कर गया, काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, ये दोनों जो स्विच है, प्रेस स्विच, इसको मैं चेंज किया ये दोनों को। और बाकी ये ओरिजिनल ही है। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, आप खुद घर में कर सकते हैं। अगर मेकर के पास लेके जाओगे तो कम से कम 200 300 500 रुपया चार्ज ले लेगा। ये आप घर में आराम से कर सकते हैं। ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। और मेरा पुराना वाला था, ये देखिए, ये ख़राब हो गया था। तो इसी में से निकाल के यहाँ पे लगाया हूँ। अभी चलिए टेस्ट करेंगे। ये देखिए, लाइन आ गया है। ये देखिए, बत्ती जल रहा है। अब इसका प्रेस करेंगे। ये देखिए, जल रहा है। ये देखिए, जल रहा है। ये पहले क्या हो रहा था, छोड़ दे रहा था, मतलब जल्दी आता ही नहीं था प्रेस करने से। तो देखिए, घर में आराम से रिपेयरिंग हो गया है। और इसको अभी फिटिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इसको खोलना है, नट को खोल के जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये देखिए, इसको बाहर निकालना है। पीछे तरफ सोल्डिंग किया हुआ रहता है, उसको हटाना है ये ब्रश के मदद से, क्योंकि हम लोगों के पास तो इतना यंत्रपाति नहीं है। तो ब्रश से के मदद से उस जो होल्डिंग रहता है, चलाए रहता है, उसको निकालना है। फिर उसको स्क्रू ड्राइवर से हल्का प्रेस करके ऐसे उसको ऊपर उठाना है। फिर नए वाले को यहाँ पर लगाना है, जो ये स्विच है वो फिर से काम करने लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि घर में आप आराम से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं स्विच को। और इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है मेरा पालको का। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो को।